हमारे चैनल साइंस एंड नॉलेज उर्दू हिंदी में आपका स्वागत है। तो ताजा खबरों के अनुसार एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स 2025 में आ रहा है। एप्पल अगले महीने अपनी आईफोन 16 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सैमसंग के लिए असली प्रतिस्पर्धा 2025 में आ सकती है। प्रसिद्ध एप्पल विश्लेषक मिंगची कुओ के हालिया लीक से पता चलता है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स कई उल्लेखनीय अपग्रेड की बदौलत सैमसंग के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आईफोन 17 प्रो मैक्स एक वास्तविक गेम चेंजर होगा। मिंगची कुओ के अनुसार आईफोन 17 प्रो मैक्स में 12 GB रैम हो सकती है, जो पिछले मॉडल से काफी बेहतर है। यह अपग्रेड डिवाइस के समग्र प्रदर्शन को बहुत बढ़ाएगा, जिससे ये बाजार में सबसे शक्तिशाली स्मार्टफोन में से एक बन जाएगा। आईफोन 17 प्रो मैक्स में नई एडवांस्ड कूलिंग तकनीक मिलेगी। आईफोन 17 प्रो मैक्स में बेहतर वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम से बेहतर थर्मल डिसिपेशन मिलने की उम्मीद है, जो न केवल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा बल्कि समग्र उपयोगकर्ता अनुभव को भी बेहतर बनाएगा। सैमसंग ने अपने गैलेक्सी डिवाइस में कई सालों से वेपर चैम्बर कूलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस समर्पित थर्मल मैनेजमेंट कंपोनेंट के साथ भी एंड्रॉयड फ्लैगशिप अक्सर परफॉर्मेंस और दक्षता के मामले में एप्पल के आईफोन से पीछे रह गए हैं। तो गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के पक्ष में सैमसंग की प्रतिक्रिया क्या है? अगले साल की शुरुआत में रिलीज होने वाले सैमसंग के आगामी गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में एप्पल की प्रगति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक अपग्रेडेड कूलिंग कंपोनेंट शामिल होने की उम्मीद है। इस प्रतिस्पर्धा में क्वालकॉम की भूमिका क्या है? क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 जो सैमसंग के गैलेक्सी S25 अल्ट्रा सहित कई एंड्रॉयड फ्लैगशिप को पावर देगा में ऑन डिवाइस आई क्षमताएं और नया ओरियन CPU होने की उम्मीद है। आईफोन 17 लाइनअप में अन्य मॉडल कौन से हैं? जबकि आईफोन 17 प्रो मैक्स को एप्पल के 2025 लाइनअप का स्टार माना जा रहा है, से वर्जन सहित सीरीज के अन्य मॉडल 8 GB रैम के साथ आने की संभावना है। हालांकि इन मॉडलों में अपग्रेडेड वेपर चैम्बर कूलिंग तकनीक नहीं हो सकती है, जो उनके प्रदर्शन को सीमित कर सकती है। तो अधिक तकनीकी समाचार और अपडेट के लिए कृपया बने रहें और हमारे चैनल साइंस एंड नॉलेज उर्दू हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं, अलविदा।